शुभ नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, आज यहाँ पर मेला होता है, किस तरह का मेला है और कैसे इसका आयोजन होता है और क्या परंपरा है यहाँ की? यहाँ पर मकर संक्रांति में लोग नहाने आते हैं और यहाँ पे एक राजा की कहानी है। एक नट था, राजा की लड़की से प्यार हुआ था उसको, उसी को रस्सी में बांध के इस पार से उस पार ले जाना था। बीच से उसकी रस्सी काट दी गई थी, नट की बलि चढ़ गई थी, इसलिए नट बलि का मेला कहलाता है। यहाँ पे एक दरगाह भी है, मंदिर भी है, भूरागढ़ का प्रसिद्ध किला अजय किला, और यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। आज यहाँ पर जो मेला लगता है, किस तरह का मेला है और किस उसमें मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है इसको? ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और यहाँ भूरागढ़ का किला है। जो यहाँ एक राजा रानी रहते थे, वो उस चीज से प्रेम कथा से प्रेरित की गई है और जो आज के दिन नदी नहाना आवश्यक बताया गया है, इसलिए लोग नदियों में जाते हैं, नहाते हैं और जहाँ मंदिर होते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं और वही जो प्रसाद सब होता है वो खाते हैं और सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं। और ये तिल है, तिल के लड्डू है, खिचड़ी है, खिचड़ी बनाना आवश्यक है, दान किया जाता है, दान करने से पुण्य होता है। तो ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरित है और इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है और इसी में सब लोग एक साथ होकर खुशियाँ मनाते हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे आते होंगे सुबह से रात तक? ये लगभग स्टार्ट हो जाता है सुबह 8 बजे से लेकर और काफी रात तक 8-9 बजे तक चलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और सब अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं जब उन्होंने नहाने स्नान करने। इसीलिए आज हर नदी में हर जगह आपको भीड़ ही मिलेगी। यहाँ पर एक मंदिर है और दरगाह बनी हुई है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पे लोग आते प्रसाद चढ़ाते हैं, मान्यता है कि जहाँ वो मीठा होता है रिवड़ी, रिवड़ी का प्रसाद चढ़ाता है तो उससे और पूजा की जाती है, जो धूप दीप करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और जितना हो सकता है लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सीता गुप्ता।